राजस्थान में निवेश लाने के लिए इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान के दौरे पे हैं, लेकिन अब ये जापान का दौरा बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जापान जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई है, और वो चुनौती क्यों दी गई है वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2011 को भरतपुर के गोपालगढ़ में मेव समाज और गुजरों के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ था उसमें एक बड़ा नरसंहार हुआ था। इसमें करीब 10 से लेके 12 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे प्रकरण में भजनलाल शर्मा का नाम भी सामने आया था। ऐसे में भजनलाल शर्मा के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। बिना कोर्ट की अनुमति के सीएम भजनलाल शर्मा देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वह जापान के दौरे पर चले गए। ऐसे में अब विपक्ष उनको जमकर घेर रहा है। सुनिए अधिवक्ता और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कहना है। मंत्री भजनलाल जी शर्मा के विरुद्ध माननीय न्यायालय ADJTR जयपुर जिला में अपराधी प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें वो अभियुक्त हैं। उन्होंने जब इस मुकदमे में उनको 2013 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई थी। उस समय ये कंडीशनल था कि बिना न्यायालय की अनुमति के वो देश की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के पद का दम भरते हुए कानून की धज्जियां उठाते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए वो विदेश गए। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सावर चौधरी, वो तो मुख्यमंत्री को स्वयं को सोचना चाहिए, और कि कोर्ट से सशर्त अगर उनको जमानत मिली हुई है तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी। ये बात जो आ रही है वही बात है, बाकी तो मुख्यमंत्री जी बाहर जाएं, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट की अवमानना करके थोड़ा सा संदेश मुख्यमंत्री के लिए सरकार के लिए ठीक नहीं जाता है। आपने सुना, अधिवक्ता ने वो कानूनी पेच बताया जिसके तहत भजनलाल शर्मा विदेश नहीं जा सकते थे, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा। ऐसे में अब विपक्ष भजनलाल शर्मा पर हमलावर हो गया है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज अब सीएम भजनलाल शर्मा के समर्थन में उतरने लगे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब ये बात कोई है नहीं। देखिए, अग्रिम जमानत में शर्तें होती है और रेगुलर बेल में कोई ऐसी शर्तें नहीं है। तो रेगुलर बेल हो गई, खत्म हुआ चैप्टर। गोपालगढ़ और आसपास का बच्चा जानता है, कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी, प्रशासन को घेर लिया गया था। प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे, वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया, और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उलझन बयान देते, उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही, तुष्टिकरण को छोड़ नहीं रही। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, राजस्थान के विकास में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के साथ खड़े होकर के अब सकारात्मक रूप अपनाए, तुष्टिकरण करना बंद करें। आपने सुना कि मदन राठौड़ और जवाहर सिंह बेड़म ने भजनलाल शर्मा का समर्थन किया है, उनका बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन एक कानूनी मामले में फंसे हुए व्यक्ति द्वारा यदि देश छोड़ा जाता है तो इसकी सूचना कोर्ट में दी जाती है और उसकी अनुमति ली जाती है। लेकिन भजनलाल शर्मा जो इस समय प्रदेश के मुखिया हैं, वो बिना अनुमति के विदेश चले गए हैं। ऐसे में अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है और राजनीति का सबसे हॉट मुद्दा बन चुका है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।